गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन में आपका रिवीजन क्लास चल रहा है। सुबह 8 बजे से हर दिन आप देख रहे हैं। तो इस क्लास में हम बात करेंगे बहुपद की। आज पॉलीनोमियल शुरू किया जाएगा एकदम शुरू से। आप लोग क्लास को पूरा देखना जिससे कि समझ में आए। अगर पूरा कोर्स करना है, घर बैठे पूरी मैथ पढ़ना है, तो ज्वाइन 10th लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सअप करें और घर देखते रहें, या फिर कॉल करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्लास। दोस्तों, वेलकम टू PVR स्टडी। सुबह के 8 बज चुके हैं और शुरू हो चुकी है कक्षा 10 की NCERT गणित। इसका है चैप्टर 2, जिसका नाम है, चैप्टर 2 का नाम बहुपद, इंग्लिश में पॉलीनोमियल। दोस्तों, ये कक्षा 10 का सिलेबस है और भारत के सभी राज्यों में सिलेबस इसका सेम ही है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे अदर स्टेट का बोर्ड हो, हर जगह आपको यही सिलेबस मिलेगा, यही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसको प्लीज़ आप अपने दोस्तों को बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए पढ़ते हैं कक्षा 10 के NCERT चैप्टर 2। चैप्टर 2 में इसमें एक ऐसे ग्राफ मिलेगा आपको, जिसमें ये बताना है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, या फिर कहेंगे शून्यकों की संख्या कितने हैं। कितने शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। ग्राफ को देखना है और बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैसे निकालेंगे। पहला क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, बहुत ही आसान है। आप इस ग्राफ को देखिए और ग्राफ को देखिए कि ये यक्स एक्सिस को, यक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है। जितनी बार टच करेगा वो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। पहले क्वेश्चन में देखते हैं, ये ग्राफ है बना हुआ है जो कि एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसमें शून्यकों की संख्या क्या है, 0 है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये ग्राफ बना हुआ है 1, 2, 3, एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच किया, 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, 3 आंसर हो गया। ये इसमें नहीं, इसमें कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसका ग्राफ बना हुआ है एक्स एक्सिस पे जो कि 2 बार टच कर रहा है, 2 जगह पे टच कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, 2 आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये है ग्राफ आपका बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है 1, 2, फिर 3 3 पॉइंट पे टच किया, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन या शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और देख लीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें ग्राफ बना हुआ है एक्स एक्सिस पे जो कि सिर्फ इतना देखेंगे कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 1, 2, 3 और 4 4 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 इज द योर आंसर। ये है एक्सरसाइज 2.1 जो कि कंप्लीट होती है। आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, जो कि फरवरी या मार्च में स्टार्ट हो जाएगा, तो एग्ज़ाम की डेट को देखते हुए जल्दी से अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में भी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्सरसाइज 2.2 जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेंगे। द्विघात समीकरण जैसे पॉलीनोमियल्स है, बहुपद है, तो ax² + bx + c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर शून्यकों का मतलब है इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर 2 डिग्री क्वेश्चन है तो 2 सॉल्यूशन आएंगे। मान लो एक सॉल्यूशन अल्फ़ा है, दूसरा बीटा है, तो अल्फ़ा और बीटा में 2 संबंध होता है, जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी एक्स के गुणांक और ए एक्स स्क्वायर के गुणांक। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है
सी अपान ए, अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक। ये सूत्र है, इसको याद रखेंगे। पूरी एक्सरसाइज 2.2 में ये आपको काम देंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें कह रहा है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच इसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो ले लेंगे। इसको द्विघात समीकरण को जैसे हल करते हैं गुणनखंड विधि से, वैसे इसको हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एट वन, यहाँ पे वन मान सकते हैं, एट वन जा एट, एट का ऐसा गुणनखंड कीजिए जो कि माइनस करने पर टू आए। एट का ऐसा गुणनखंड कीजिए टू, टू टू जा फोर, फोर माइनस टू यानी फोर माइनस टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर माइनस टू टू, फिर आ जाएगा एक्स माइनस एट, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, माइनस माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर x कॉमन है, यहाँ x दो बार, यहाँ x एक बार, x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा x माइनस फोर प्लस, यहाँ पर 2 कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस फोर। इस लाइन में आप देखेंगे कि दोनों ब्रेकेट की चीज़ें एकदम सेम आएंगी। अगर सेम नहीं आ रही हैं तो समझ लीजिए कहीं गलती है। पूरे इक्वेशन में x माइनस फोर कॉमन है, x माइनस फोर कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, ये कॉमन हो गया, बचा है क्या x और 2, तो बचा क्या दूसरे ब्रेकेट में x प्लस टू, दूसरे ब्रेकेट में x प्लस टू बचा इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके बाद एक बार x माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे और एक बार x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे, तो इसके दो शून्य यानी दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। देखते हैं, इधर करते हैं, x माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो और x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो कर लेंगे, तो x इक्वल टू फोर इधर आएगा, प्लस फोर हो जाएगा, एक वैल्यू ये आ गई, और x इक्वल टू ज़ीरो माइनस टू, एक्स इक्वल टू माइनस टू, एक वैल्यू ये आ गई। तो इसके दो शून्य आए, फोर और माइनस टू। अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे, वो कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए। अल्फा मान लो ये क्या आया है, अल्फा, ये क्या आया है बीटा, तो इन दोनों का योगफल यानी मूल, इसको कहते हैं मूल या शून्यक, मूलों का योगफल फोर प्लस माइनस टू कितना आ रहा है टू, और मूलों का गुणनफल फोर इंटू माइनस टू कितना आ रहा है माइनस एट। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा भी निकाल के देख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी यहाँ से तुलना करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस टू, माइनस बी एक माइनस बाहर, और ए की वैल्यू क्या आएगी वन, वन नीचे रख देंगे, तो यहाँ भी क्या आ गया टू, यहाँ भी टू, यहाँ भी टू। सत्यता की जांच सही है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा सूत्र क्या होता है सी बाई ए, सी अपान ए, सी कितना है माइनस एट, माइनस एट अपान ए कितना है वन, एट अपान वन इक्वल टू माइनस एट। तो यहाँ भी माइनस एट, यहाँ भी माइनस एट इक्वल है, यहाँ टू, यहाँ भी टू इक्वल है, यानी कि इसमें जो गुणांकों की सत्यता की जांच करनी थी वो भी सही आ रहा है दोनों में। दोनों का अगर
यहाँ पर माइनस 8, यहाँ पर कुछ और आ जाता तो ये सत्यता की जांच गलत होती और इसका सलूशन देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके चाहे वीडियो को रोक करके अच्छे से समझ लीजिए। जहाँ पे ना समझ में आए कमेंट करिए। दोस्तों एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन सेम उसी तरह है पहले की जैसा। हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6x² - 3 - 7x, तो 7x को बीच में कर लेंगे, 3 को इधर कर देंगे। 6x² - 7x - 3 ये क्वेश्चन है। तो अगर देखेंगे ax² + bx + c के टाइप का ही है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6x² - 7x - 3 को सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर कितना आता है, यानी इसके सॉल्यूशन कैसे आते हैं। 3 और 6, सबसे पहला काम करेंगे 3 और 6 का मल्टीप्लाई कितना, 6 3 18, 18 को फैक्टराइजेशन कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, जिससे कि घटाने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, 3 2 6 6 3 18, 3 3 9। अगर इसको लोगे 3 2 6 6 - 3 नहीं आएगा, 3 3 जा 9 9 - 2 9 - 2 7 आ जाएगा। तो 3 3 जा एक साथ ले लेंगे 9 और 2, इसका फैक्टर जो बना 9 और 2, 9 में से 2 माइनस कर देंगे 7 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर यही है, लिख लीजिए 6x² - 9x - 2x - 3। एक लाइन बीच में चाहे लिख सकते हैं x 9 - 2, x से अंदर गुणा हो जाएगा, 9x - 2x हो जाएगा। इसमें कॉमन है 3x, कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 2x - 3, यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2x, देखिए इसको फिर से बताते हैं पूरा शुरू से। 6x² - 7 की जगह क्या लिखेंगे, 9 - 2 9 - 2 x - 3, जिससे कोई गलती होने की संभावना ना रहे। 6x² - 9x, और ये माइनस अंदर में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 2x - 3, क्या बन गया। अब यहाँ पर 3 और x कॉमन है, 3x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 2x - 3, और यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे, बचेगा 2x - 3। अब इसके बाद पूरे समीकरण में 2x - 3 कॉमन है, 2x - 3 2x - 3, 2x - 3 कॉमन लेंगे और बचेगा क्या दूसरे ब्रैकेट में 3x + 1। ये इसको समीकरण बनाने के लिए अगर सबके आगे जीरो कर देंगे, इक्वल जीरो क्यों करेंगे, क्योंकि इसको हल करना है। एक बार 2x - 3 इक्वल जीरो लेंगे और एक बार 3x + 1 इक्वल जीरो लेंगे। 2x = 3x = 3/2, एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू 3x = -1x = -1/3। अब इसमें इसके गुणांकों की जांच करना है, तो सूत्र बताए थे क्या होता है, α + β = -b/a,
होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, b की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 3। माइनस के साथ लिखेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा, माइनस का ध्यान रखेंगे। यहाँ की b की वैल्यू कितनी है -7, इसको इस तरह से अगर लिख लेंगे जैसे नीचे लिखा हुआ है 6x² - 7x और -3=0, 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अब ये जो एक वैल्यू आई है ये एक वैल्यू अल्फ़ा है, दूसरी वैल्यू क्या है बीटा है। पहली वैल्यू अल्फ़ा रखेंगे 3/2 प्लस दूसरी -1/3 इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है -7 माइनस फिर अंदर में -7 अपान ए की वैल्यू है 6। इसको इधर सॉल्व करेंगे इधर सॉल्व करेंगे दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो समझ लो गुणांकों की जांच सही है। इसको हल करेंगे 3 2 6 9 3 2 6 6 1 6 1 बार गया 1 से ऊपर 2 3 6 3 बार गया 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 3 3 9 और ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा 3 2 6 2 1 2 -2 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। इधर भी 9 - 2 क्या आ जाएगा 7/6 इधर भी 7/6 इक्वेशन नंबर 1 मान लो या कुछ भी मान लो। यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS आ गया, यानी कि पहले इक्वेशन में अभी एक और इक्वेशन बनेगा, पहले इक्वेशन में संबंधों की जांच सही है। दूसरा इधर बताते हैं, तब तक आप लोग वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके सॉल्व कर लीजिए। इसका अगला गुणांक क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए होता है, जो कि सी की वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी एक गुणांक है, ए एक गुणांक है किसका ax² + bx + c का। इससे तुलना करेंगे सी की वैल्यू क्या है -3 रख देंगे अपान ए की वैल्यू क्या है 6, तो 6 लिख देंगे। और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी 3/2 सॉल्व करने पे 3/2, बीटा की वैल्यू क्या आई थी -1/3। दोनों को सॉल्व करो, दोनों LHS और RHS बराबर आने चाहिए। 3 * 3 कैंसिल हो गया -1/2 और इधर भी 3 * 3 3 2 6 -1/2 LHS इक्वल टू RHS, अर्थात इसमें जो शून्यकों का मान आया है और इसके जो गुणांक हैं उनके बीच ये जो संबंध होता है, कौन सा संबंध, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a सही है, सत्य है, संबंधों के सत्यता की जांच सही है। इस वीडियो सेशन को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप पूरी कंप्लीट मैथ घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन 10th लिखकर अवश्य भेजें और क्लास को ज्वाइन करें। PVR स्टडी ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे पढ़ते रहें।